हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइज, ये सेकंड पार्ट है, इसका वन पार्ट मैं डाल चुकी हूँ, तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर काट रही हूँ अभी मैं ये भिंडी, देखिए। और तो यहाँ पे खाना बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ, तो आज मैंने मिक्स वेजिटेबल्स सब्जी बनाई है, वो व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो देखिए, इसमें ढेर सारा डाल लिया है ऑयल, और इसमें सबसे पहले मैं आलू को बड़े बड़े स्लाइस में मैंने कट किया है, और इसे मैं कर रही हूँ फ्राई। तो ये देखिए, तो फ्राई हमारे आलू, सबसे पहले मैंने आलू फ्राई किए और वो फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें मैं साइड में निकाल रही हूँ, देख सकते हैं आप। तो ये हो गया। और अब ये देखिए, फूल गोभी, ये भी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी इस तरह से। तो सेकंड अब ना फूल गोभी, उसे फ्राई करेंगे। तो इसे डाल दिया, और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, नॉर्मली ही करना है, ताकि वो मतलब फ्राई हो जाए इस अकॉर्डिंग। ये देखिए इस तरह से, तो ये भी हमारी फ्राई हो गई है, फूल गोभी भी, और इसे भी मैं साइड में मैंने निकाल लिया। अब बारी है भिंडी की, तो भिंडी को भी मैं फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए इस तरह से। और इसमें एक मैंने मिर्ची भी ली है, हरी मिर्ची साथ में डाल दी मैंने, और ये भी मैंने फ्राई कर ली और साइड में निकाल दिया। अब बारी आती है टमाटर की, जिसे मैं इस चॉपर की सहायता से और मैं चॉप कर लूँगी। कम से कम मैंने 4-5 बड़े स्लाइस में मैंने टमाटर लिए थे, जिनको मैं यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया। ये देखिए इसमें निकाल रही हूँ, इससे है ना आसानी हो जाती है, मतलब टाइम नहीं लगता, फटाफट टमाटर कोई भी सब्जी हो, मिर्ची फटाफट उन्हें चॉप हो जाता है, और खाना बनाने में भी आसानी होती है। तो सारे टमाटर यहाँ पे मैंने चॉप कर लिए हैं तो गाइस, ग्रेवी यहाँ पे के मैंने लिए। कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल डाल दिया है, तो ऑयल गरम हो गया है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं सारे रेडी कर लिए हैं, रख लिया है यहाँ पे मैंने। और अब मैं डालूँगी जीरा सबसे पहले, ये देखिए, और साथ में डाल दूँगी कस्तूरी मेथी। यहाँ पे मैंने अजवाइन और राई ली है, तो ये भी इसमें डाल दूँगी मैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, और मसाले भी इसमें डाले हैं जो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हमने जो ये कद्दूकस किया है टमाटर, ये डाल देंगे इसके अंदर। आंच को मैंने नॉर्मल कर दिया है, और चिमनी बंद कर रखी है मैंने, क्योंकि फिर मैं बोल रही हूँ कि मेरी आवाज़ नहीं आएगी गाइस। थोड़ी देर टमाटर को भूनेंगे, फ्राई करेंगे, और फिर इसमें मसाले डालेंगे। तो मैं नमक डाल दूंगी इसके अंदर स्वाद अनुसार, ताकि नमक हमारा अच्छे से डाल दिया ना पहले नमक, तो टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाए, गल जाए। तो अब मसाले डालेंगे इसमें, हींग डाल देती हूँ पहले, हींग ऊपर से डाल रही हूँ मैं, तो फिर हींग का ना फ्लेवर अच्छा आएगा इसलिए। अब डाल देंगे इसके अंदर मसाले, रेगुलर मसाले, धनिया पाउडर, ये देखिए एक चम्मच छोटी डाली है मैंने, ये है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सॉरी ये सादा मिर्ची है तीखी वाली, ये है कश्मीरी, जरा सी मैंने वो डाल दी ये वाली, क्योंकि ये तीखी है इसलिए। और साथ में डाल देंगे ये हल्दी पाउडर, और जरा सी कश्मीरी वो डाल देंगे। तो करीब मैंने ना एक एक छोटी चम्मच डाली है मैंने, एक चम्मच छोटी चम्मच मसालों की डाली है, और इसको मिला लेंगे मसालों में, मसाले को अच्छे से ग्रेवी में मसालों को अच्छे से मिला लेंगे, और इसे हम 1 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। तो
गाइस एक चीज़ और डाल रही हूँ इसके अंदर, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, सब्जी में उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और मैं सब्जी में अक्सर डालती हूँ। ये देखिए सौंफ, सौंफ डाल दी इसमें मैंने, और इसको मिला लेंगे। और एक चीज़ और डालेंगे इसके अंदर, होममेड मसाला जो घर पे तैयार किया गया मसाला, जो खड़े मसाले होते हैं ना उनको मैंने, मसालों को घर में रेडी किया है मसाला, वो डाल दिया और इसको मिला लेंगे। और देख सकते हैं आप हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है और मसाले में तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इस स्टेज पे डालेंगे, तो अब है ना थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर, इस तरह से। तो मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ये अमचूर पाउडर, मिला लेंगे। और ग्रेवी में है ना हमारे उबाल आ चुका है, तो अब इस स्टेज पे डालेंगे हम सब्जियाँ जो हमने फ्राई की है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए इनको मैंने पहले तेल में फ्राई किया है, अब इसके अंदर डाल देंगे। सारी सब्जी डाल दी है, अब ग्रेवी में अच्छे से मसालों में सब्जी को मिला लेंगे। और इसे हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, हम इसे इसी तरह से बनाएंगे, ग्रेवी में थिक बनाएंगे, क्योंकि ये सब्जी इसी तरह से खाने में अच्छी लगेगी। और मेरी चिमनी चल रही है, मैंने चिमनी को बंद कर दिया है, मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी, तो थिक बनाऊंगी मैं। और ये सब्जी खाने में इसी तरह से बहुत ही टेस्टी लगेगी। बस मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें, ये देखिए इस तरह से, ताकि जो हमारी सब्जी है वो अच्छी तरह से मसाला सब्जी के अंदर घुल जाए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है, ये देखिए। और ये मैंने मिक्स सब्जी बनाई है, क्योंकि मेरे फूल गोभी भी रखी हुई थी और भिंडी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यही बना ले। आलू डाले हैं दो, तो और एक फूल गोभी और भिंडी लेकर आए थे कल, तो वो सब डाल के और मैंने ये सब्जी रेडी की है, मिक्स सब्जी। तो गाइज जब मैंने भिंडी काटी ना, तो भिंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं बता रही थी ना अब अच्छी भिंडी आ रही है, कुछ भी अच्छी नहीं आ रही है, बिल्कुल अंदर से तो थी, और काफ़ी सारी तो खराब निकल गई जो मैंने। तो देखिए चेक कर रही हूँ सब्जी, ये हमारी सब्जी रेडी हुई है या नहीं, और कितना टाइम लगेगा इसमें। तो आलू को ज़रा सा से तोड़ कर देखते हैं, तो बस वैसे बन गई है लगभग ये। और ये मैंने ऊपर से एक टमाटर काटा है जो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा मिला देंगे, तो अभी थोड़ा सा टाइम है इसको पकने में, तो इसको मैं ढक देती हूँ वापस। तो पूड़ी निकालूंगी मैं, उसके लिए आटा है ना सख्त होना चाहिए, उससे पूड़ी है ना बहुत अच्छी बनती है, अच्छे से रेडी होती है पूड़ी, इसलिए पूड़ी का आटा सख्त लगता है, टाइट लगता है। यहाँ आटा लग गया है, इसको मैं सेट होने के लिए छोड़ दूंगी थोड़ी देर, फिर मैं पूड़ियाँ निकालूंगी। तो गाइज यहाँ पे मेरा आटा भी रेडी हो गया था, और ये देखिए यहाँ पे बना रही हूँ मैं बेली, तो सब एक साथ ही बना लेती हूँ और सारी
पूड़ियों को भी एक साथ ही बेल के रख लेती हूँ ताकि फिर मुझे है ना पूड़ी निकालने में इजी रहे। और ये देखिए हमारी पूड़ियाँ और सख्त और करारी करारी मस्त पूड़ियाँ बनी थी बहुत ही, और ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट। और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है गाइज, लेकिन फिर भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ और एडिटिंग करके मैंने ये वीडियो अपलोड किया है क्योंकि वीडियो अपलोड करना समय पर ज़रूरी होता है इसलिए। हे गाइस, तो देखिए सब्जी एकदम से बन के रेडी हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस और लाजवाब सब्जी बनी है, और ये है ना मैंने अपनी आइडिया से बनाई है गाइस, वो तो मैंने आपको बताया ही है। बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस सब्जी बन के रेडी हुई है, ये देखिए। यहाँ पर है ना मैंने पूड़ियाँ में निकाल लिए, देखिए पूड़ियाँ भी सब बन गई है। तो गाइस खाना बना लिया है और अब है ना खाना खाएंगे, और आज है ना मन हो रहा था पूड़ी खाने का। कल भी मैंने पूड़ी बनाई थी, बहन का बर्थडे था ना तब भी मैंने पूड़ी बनाई थी, आज भी मैं मन कर रहा था कि पूड़ी बनाते हैं, रोटी खाने का मन नहीं था और रेहन का भी नहीं था। और हस्बैंड आज जल्दी आ गए थे तो वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं वो, तो अभी उनको जगाऊंगी और खाना सर्व करूंगी, अब हम तीनों खाना खाएंगे। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैंने आपके साथ सब्जी शेयर की है, तो मैंने आपको बताया था कि है ना मतलब सब्जी जो भी मेरे पास सब्जी अवेलेबल थी, क्योंकि भिंडी पूरी ख़राब निकल गई थी थोड़ी सी बची थी, और फूल गोभी वो भी एक फूल बिल्कुल ख़राब हो गया था, एक फूल बिल्कुल ठीक था वो, और दो आलू डालकर मैंने ये एक डिफरेंट और एकदम डिलीशियस सी सब्जी बना के रेडी की। तो आप भी एक बार इस तरह से है ना ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर, और न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बाय बाय गाइस। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेहान खड़ा है और लाइट का फोक्स आ रहा है, उधर से लाइट का फोक्स आता है, सामने है ना वो मेरे लाइट है। तो रेहान खाना खाएगा, मैं भी खाऊंगी और हस्बैंड को जगाऊंगी अभी। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको, भूल गई मैं कि खाना बनाने के बाद में मैं भूल गई थी कि मुझे आगे ब्लॉगिंग करनी है, तो मुझे मेरे बेटे ने इसने मुझे याद दिलाया, मम्मा आपको शूट भी तो करना है। फिर मैंने सोचा अरे यार मैं भूल गई, बिल्कुल दिमाग से निकल गई मेरी, क्योंकि मैं तुरंत काम कर रही थी और मेरे ध्यान में नहीं रहा, वरना तो मैं ना मतलब तो मेरी मेहनत ख़राब हो जाती इतना मैं वो कर ब्लॉग बनाया। हाँ तो थैंक यू, और गाइज ये मेरा बहुत ध्यान रखता है बहुत, और मतलब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ कुछ भी करती हूँ ना तो मतलब छोटी मोटी हर चीज़ का बहुत ध्यान रखता है मेरा बेटा, बहुत बहुत चिंता भी करता है, बहुत फिक्र करता है और बहुत हर चीज़ का ध्यान रखता है और मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। थैंक यू, ख्याल रखता है मेरा। तो